योग के द्वारा कैसे हम इसको इलाज कर सकते हैं, चलिए इसको मैं कुछ आसनों का सेट्स लेके आया हूँ जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। आप प्रतिदिन यदि इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्लिप डिस्क और साइटिका की समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्लिप डिस्क और साइटिका के रोग से परेशान है और उसके साथ साथ में लोअर बैक में पेन उनको लगातार हो जाता है, बराबर होते रहता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह, योगाचार्य अजय योग दर्शन यूट्यूब चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। इस समस्या का समाधान के लिए, समस्या का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। योग के द्वारा कैसे हम इसको इलाज कर सकते हैं, चलिए इसको मैं कुछ आसनों का सेट्स लेके आया हूँ जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। आप प्रतिदिन यदि इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्लिप डिस्क और साइटिका की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ अपने आसनों की सिलसिला को। आप इस तरह से पेट के बल पर लेट जाएं। पहला आसन अर्धसर्वासन, दोनों हथेलियों को जांघ के नीचे रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ रहे, दोनों पैरों को बारी बारी से हम पीछे उठाएंगे, खींचेंगे, मुड़ना नहीं चाहिए, घुटने से मुड़े नहीं। फिर इस तरह से दूसरे पैर को, इसे कहते हैं अर्धसर्वासन। 10 सेकंड तक रोक के रखें वहां पर, 10 सेकंड तक वहां पर रोक के रखना है। दूसरा आसन सर्पासन, दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ लेके जाएं और इस तरह से आप इसे जहां तक हो सके रोके उठे, पैर जमीन पर ही रहेंगे, हाथ इस तरह से पूजाएं इस तरह, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे तरफ आए, फिर इस तरह से 5 times इसको करना है, जो जो आसन करना है 5 times करना है। उसके बाद सरल धनुरासन, दोनों पैर को इस तरह से ऐसे मोड़ लें बराबर से, सर को आगे खींचे और पैर को नीचे ही रखें और खींचे जमीन पर ही रखें, पैर को उठने नहीं दें। आसान है, ठीक है, जहां तक हो सकता है करें इसको। अगला आसन है भुजंग आसन, सरल भुजंग आसन, हाथ को इस तरह से इस रखेंगे, ठीक है, 10 times 10 seconds each, इस तरह से इसे भी। इसका सर्वासन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, उसी तरह से अर्ध सर्वासन जैसा दोनों हथेलियों को नीचे रखेंगे और दोनों पैर को एक साथ उठाएंगे, ऐसे पैर को खींचे, ठुड्डी जमीन पर लगा रहना चाहिए, पैर घुटने से मुड़ने नहीं चाहिए, पैर घुटने से मुड़ने नहीं चाहिए। इसको भी 5 times करें ऐसे। अब हम लोग बैठ के करेंगे, सबसे पहले वज्रासन, ये बहुत ही शानदार आसन है। इसमें आप बैठने से ही आपके स्लिप डिस्क साइड का एक सीध में आ जाता है। खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट तक इस तरह बैठें, प्रतिदिन बैठें, जो बैठ सकते हैं वो आसानी से बैठें, नहीं तो क्या करें, काफ मसल और जांघ के बीच में तकिया रख लें, एक तकिया नहीं, कभी हो सकता है 2 तकिया रखें जो नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन इसको करें जरूर, ठीक है। अब इसके साथ में उष्ट्रासन, उष्ट्रासन है, उष्ट्रासन से पहले मैं 2 आसन और दिखा देता हूं जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। दोनों पैरों को ऐसे फैला लें, इसे कहेंगे हम लोग ऐसे पैर को कर लें, ठीक है, और हाथ को ऐसे लेके जाएं, पहले लेफ्ट साइड से हम आपको सामने से करके दिखाते हैं, पैर को पार कर लें। मेरु वक्रासन, बस कुछ नहीं करना, ऐसे केवल हाथ को ऐसे हथेली को रखें और कमर से बॉडी को बेंड करें, ट्विस्ट करें, रेदर ट्विस्ट करें, इसी तरह से दाहिने पैर को बाएं पर पार कर लें,
फिर इस तरह से ऐसे कमर से ट्विस्ट करें, ज्यादा लोड न दें, जितना आप कर सकते हो उतना ही करें, ठीक है। उसके बाद एक और आसन है भुनमन आसन, आसान है। इसमें क्या करते हैं, दोनों हाथ को हथेली को इसी तरह से ऐसे रखेंगे, दोनों इस तरह से, और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे टच करने के लिए, इसको जोड़ न दे, जहां तक हो सके वहां तक करें। फिर इसी तरह से आप बाएं तरफ मुड़ दें, दूसरी तरफ की जान उठता है तो उठने दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और आसन दिखाएंगे जो कि बहुत जरूरी होता है इसको करने के लिए, उसे हम कहते हैं उष्ट्रासन। बहुत अच्छा आसन है। इस तरह से वज्रासन में आते हैं, वज्रासन में आने के बाद आप इसमें इस तरह से खड़े हो जाएं। आप चाहें तो अपने हाथ को यहां पर रखें, अंगूठे आगे और पीछे इस तरह से रीढ़ की हड्डी के पास में, अर्धोष्ट्रासन, ठीक है। कोई परेशानी नहीं इसको करने में, चाहे यदि आप इससे आगे बढ़ सकते हैं तो सबसे अच्छा क्या है, ऐसे जाए फिर इसको पकड़ ले, फिर इसको पकड़ ले, फिर बॉडी को इस तरह से बैंड करें, पैरों में कंफर्टेबल गैप दे दें, फिर आप ऐसे करके इस तरह से ऐसे आ सकते हैं। तो ये आसन आपको निश्चित रूप से आपके स्लिप डिस्क और साइटिका वालों के लिए तथा लोअर बैक पेन वालों के लिए यदि प्रतिदिन करेंगे तो जिनको है वो ठीक हो जाएगा और जिनको नहीं है उनको कभी नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब बहुत ज़्यादा आप सफर कर रहे हैं तो उस समय इसको थोड़ा मत करें, रेस्ट कर लें, हल्का सा जब कम हो जाए तब इसको करें। और जिंदगी और सब दिन करते रहें, आपके जीवन में कभी भी स्लिप डिस्क और साइटिका के प्रॉब्लम से दोबारा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले प्रॉब्लम्स के साथ में, आपके अगले रोग के निदान के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।